बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी झटपट बनने वाली खीर की रेसिपी। ये मैंने चार ब्रेड ले लिए हैं, इसके कोने मैंने काट लिए हैं। ये मैंने लिए हैं 4 से 5 इलायची, सब्ज़ इलायची, उसके ना मैंने उसका पाउडर बना लिया, उसके जो बीज है ना उसका पाउडर बनाया है सब्ज़ इलायची के। और ये मैंने ली है 1 बर्फी, 1 पेड़ा यानी कि, ठीक है। दूध मैंने लिए है 1 kg, ठीक है। इसको मैं बॉईल कर रही हूँ, जब ये बॉईल हो जाएगा तो फिर मैं इसमें और चीज़ें ऐड करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने बर्फ़ी और जो है ना मैं ब्रेड का पूरा चूर के देखें किस तरीके से कर लिया, बिल्कुल मैश कर लिया इतना। अगर आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, मैंने इसको हाथों से किया है, ठीक है। मैंने हाफ कप मैंने लिया चीनी, शुगर। दूध उबल जाएगा तो हम इसमें ये ऐड करेंगे, ये बर्फ़ी और ये जो हमारे ब्रेड है ना, ब्रेड क्रम्स या कर लें इसको, या हाथ से इसको चूर लें, इसको डाल के इसको अच्छी तरीके से मिलाइए, गुटलियाँ नहीं बनने दिए, इसको मिलाते रहिए अच्छी तरीके से। बस जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा, जैसे ये गाढ़ा हो जाएगा वैसे हमारी खीर तैयार हो जाएगी। हमने इलायची, छोटी इलायची का पाउडर जो हमने बनाया था, अब हम उसमें वो ऐड करेंगे। इसको चलाते हैं जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाए, इसको चलाते हैं। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे, 1/2 कप जो हमने शुगर रखी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा बादाम पिस्ता भी ऐड करेंगे, और बाकी हमने रख दिए हैं गार्निशिंग के लिए। चाहिए जब ये खीर बिल्कुल रेडी हो जाएगी, अभी हमारी बिल्कुल खीर रेडी होने के बाद बिल्कुल करीब तरीन है, झटपट बनने वाली इतनी आसान सी ये खीर है, ज़रूर ट्राई करेगा इसको। देखिए हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसको डिश आउट करेंगे हम अभी। ये देखें 15 मिनट में कितनी आसान सी खीर तैयार हो गई है, सिर्फ इसको 15 मिनट लगते हैं ज़्यादा तैयार होने में।